हेलो चिल्ड्रन, मैं भय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 3-3 नंबर से गर्ल का चित्र बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको जो है 3-3 नंबर से गर्ल का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखना है, स्किप मत करिएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। तो आपको जो है 33 यानी कि 33 नंबर से गर्ल का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो आप यहाँ पे एक बड़ा सा 3 लिख देंगे प्यारे बच्चों। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है गर्ल की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ यानी किसी नंबर से, किसी वर्ड से, तो आप हमें कमेंट करिए प्यारे बच्चों। हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखा देंगे। पहले तो आप यहाँ पे 3 लिखिएगा, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है एक 3 ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको एक छोटा सा 3 लिखना होगा। पहले बड़ा सा 3 लिखिए, फिर इसके बाद एक छोटा सा 3 लिखिएगा, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक 3 और लिखना होगा प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा 3। और आप हमें जो है गर्ल की स्पेलिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। 3-3 लिखने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, देखिएगा, एक ऐसे सीधी लाइन हम ले जाएंगे, यहाँ तक ऐसे सीधी लाइन ले जाइएगा। फिर इसके बाद इस 3 को हमें जो है ऐसे अंदर की तरफ करना होगा। फिर इसके बाद इसको भी ऐसे अंदर की तरफ ले जाइएगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ से आप एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद एक सीधी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस सीधी लाइन को ऐसे आपको डबल कर देना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप ऐसे बहुत ही आराम से इसको डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद अब आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन ले जाना है, एक सीधी लाइन आपको यहाँ पे ऐसे ले जाना होगा। सीधी लाइन ले जाने के बाद यहाँ से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। इस लाइन को हमें ऐसे आगे की तरफ ले जाना होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप हमें जो है गर्ल की स्पेलिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ करते हुए इसको ऐसे मिला देना होगा प्यारे बच्चों। मिलाने के बाद यहाँ से एक सीधी लाइन आपको फिर से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना होगा। एक सीधी लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ करिएगा, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, यहाँ से आपको करना क्या है, इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ करते हुए प्यारे बच्चों इसको यहाँ से ऐसे मिला देना होगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ करते हुए फिर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पे आप इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ तक बनाने के बाद अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए। देखिए कितना आसान है, 3-3 नंबर लिखना है, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करना है और गर्ल का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा आपको प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप यहाँ पे एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक यहाँ पे हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। फिर इसके बाद छोटी 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 लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना होगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ करिएगा, इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद इसकी हेल्प से हम यहाँ पे गर्ल का हैंड बना देंगे। एक हैंड यहाँ बना दीजिएगा और एक हैंड इस तरफ बना दीजिएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया सेकेंड हैंड। अब देखिए सेकेंड हैंड तक तो हो गया, अब यहाँ से आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको हमें जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा। यहाँ पे ऐसे टच करा दीजिएगा, फिर इस 3 को है ऐसे नीचे की तरफ लाते हुए यहाँ पे हम टच करा देंगे। टच कराने के बाद प्यारे बच्चों इसको जो है इसकी हेल्प, इस 3 की हेल्प से हम यहाँ पे हेयर बना देंगे। गर्ल का एक हेयर इधर हो जाएगा, एक हेयर इधर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे आई बना दीजिएगा प्यारे बच्चों। आई बनाना तो बहुत ही आसान है, सभी बच्चों को आता होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम नोज़ बना देंगे। नोज़ बनाने के बाद यहाँ पे आप गर्ल का माउथ बना दीजिएगा। तो ये हमारी गर्ल बनके तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी गर्ल है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे डार्क कर दीजिएगा। आप यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देंगे प्यारे बच्चों।